हेलो कैडेट कैसे हो आप लोग तो अपन ने नाउन के तीन टाइप कर लिए थे प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव अब आपको तो ये वर्ड सुन के ही तुरंत याद आ गया होगा अच्छा प्रॉपर ये कॉमन ये कलेक्टिव ये अब अपन आज अपन करेंगे आज अपना मेन टारगेट होगा दो और टाइप के नाउन पढ़ना कौन कौन से एक मटेरियल और और एक एब्स्ट्रैक्ट बहुत इजी और बहुत छोटा है मतलब हार्डली दस मिनट लगेगा चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें बच्चों चलो देखो मटेरियल नाउन मटेरियल मतलब क्या होता है सामग्री जब भी किसी सामग्री के बारे में बात हो रही हो तो क्या हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन जैसे देखो इट रिफर्स टू द मटेरियल सामग्री के बारे में बात कर रहा है या किसी सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा है फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड जिससे कुछ कुछ चीजें बनाई जाती है जैसे अगर ये बिल्डिंग बिल्डिंग किससे बनाई गई है ठीक है बालू से लोहा से ईटा से पत्थर से तो ये सारे क्या हो गए मटेरियल नाउन नाउन है ना नाम है ना आयरन हाँ भैया लोहा नाम दिया ना तो इट इज अ नाउन लेकिन ये क्या है मटेरियल सामग्री तो इट इज अ मटेरियल नाउन भैया इससे इजी क्या हो सकता है तो देखो जैसे कौन-कौन से मटेरियल भैया जैसे सिल्वर हो गया गोल्ड हो गया आयरन हो गया कॉटन हो गया डायमंड हो गया प्लास्टिक से चीजें बनती हैं प्लास्टिक की चेयर हो गई है कि नहीं प्लास्टिक की घड़ी का फ्रेम हो गया तो प्लास्टिक से चीजें बनती हैं, तो ऐसी चीजें जिससे कुछ चीजें बनती है मटेरियल सामग्री सब्सटेंस जिससे कोई चीज आप बनाते हो तो सिल्वर गोल्ड आयरन कॉटन डायमंड प्लास्टिक क्लोथ ठीक है जो आपका कपड़ा होता है उससे आप बनाते हो शर्ट पैंट बना दिए भैया ट्राउजर बना दिए बूट बना दिए एकदम मस्त है कि नहीं तो क्लोथ हो गया ग्लास हो गया फाइबर हो गया एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें ऐसे मटेरियल बहुत मटेरियल है जिससे कुछ कुछ चीजें बनाई जाती हैं। तो इन सब मटेरियल का जो अपन ने नामकरण किया दैट इज मटेरियल नाउन फॉर एग्जांपल, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल अब एक स्टेटमेंट में ना बच्चों अच्छो एक बात ध्यान देना पास आओ सुनो

अपन को किस में ध्यान देना है मटेरियल तो इस पूरे स्टेटमेंट में मटेरियल नाउन कौन सा है गोल्ड तो अपन ने बता दिया है, यहाँ पर ये यह जो गोल्ड है इट इज अ मटेरियल नाउन आयरन गिव्स स्ट्रेंथ टू बिल्डिंग जो बिल्डिंग्स हैं उनको मजबूती कौन देता है भैया लोहा देता है आयरन देता है तो आयरन इज अ मटेरियल नाउन प्लास्टिक आर डेंजरस टू दिन अपने environment के लिए खतरनाक है प्लास्टिक तो जो प्लास्टिक है वो भी क्या हो गया ढूंढना है, है? है तो मटेरियल नाउन क्या इज मेड ऑफ सिल्वर भैया सोने की भी बनती है लेकिन चलो ठीक है यहाँ सिल्वर की बात कर रहे हैं ओके okay. चलो देखो बहुत ईजी है क्या था मटेरियल नाउन जो मटेरियल मतलब की सामग्री सबस्टेंस जो किसी चीज को बनाने के लिए काम आती है उसका जो नामकरण है दैट इज अ मटेरियल इजी था हो गया कौन-कौन सा नाउन हो गया प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाई ऐसी चीजें जिनको आप ना देख सको ना सुन सको ठीक है ना सूंघ सको मतलब ना तो स्मेल हो ना साउंड हो ना आप टच कर सको फील ना कर सको उस चीज को ना मतलब टच नहीं करो बट फील बस उसको बोलते हैं मतलब आप कैसे? जैसे प्यार, क्या नहीं क्या सुन सकते हो क्या है? नहीं। सुन सकते हो लव कुछ बोल रहा है क्या नहीं। तो लव एक फीलिंग है एक ऐसी चीज है आप भूत ना देख सकते ना सुन सकते बस महसूस कर सकते हैं ठीक है तो घोस्ट इज ऑल्सोक्ट नाउन तो वैसे जैसे क्या जैसे लव ठीक है हंगर भूख लगी मम्मी भूख लग रही है कुछ दे दो खाने के लिए है कि नहीं तो जो भूख लग रही है आपको हंगर जो है दैट इज नाउन अब हंगर जो भूख लगती है उसको अपन ने नामकरण किया क्या नामकरण किया भैया इसको हंगरी है ये ठीक है हंगर है ठीक है तो इसको अपन ने क्या बोलते हैं नाउन है लेकिन कैसा क्या आप उसको छू सकते हो टच कर सकते हो स्मेल कर सकते हो सुन सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया आपका एबस्ट्रेक्ट नाउन देखो डेफिनेशन देखो सब चीज लिखी हुई है नोट डाउन करते जाना नोट्स बनाते जाना नहीं तो बाद में मत बोलना आप बिखर जाएंगे सारे नोट्स तो ठीक है देखो अ नाउन, नाउन है नाम है दैट इज यूज फॉर द एक्शन स्टेट या क्वालिटी इट रिफर्स टू द टू दैट कैन नॉट बी फिजिकली हेल्ड जिसको आप फिजिकली हेल्ड नहीं सक, कर सकते पकड़ नहीं सकते ठीक है और जो किसी एक्शन स्टेट या क्वालिटी को बताता हो जो मतलब जिसका कोई कलर नहीं किस, जिसका कोई साउंड नहीं जिसका कोई स्मेल नहीं ठीक है कोई कोई जिसका फिजिकल नहीं उस चीज को अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एग्जाम्पल देखो जिसको देखा सुना टेस्ट और टच नहीं किया जा सकता सिर्फ फील किया जा सकता है इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया मैंने आप क्या बच्चे की जान लोगे नहीं, नहीं बच्चों तो जिसको देखा सुना टेस्ट और टच नहीं किया जा सकता सिर्फ फील किया जा सकता है ठीक है जैसे आई लव माई सेल्फ एंड आई लव ऑल ऑफ यू ठीक है मेरे जितने भी बच्चे हैं तो दिस इज एब्रैक्ट नाउन जैसे हंगर ठीक है फिर लव ठीक है फिर केयर आप किसी को जिस किसी की केयर करते हैं वैसे जॉय खुशी होती है ना आपको यार बड़ी खुशी हुई अब जब आप लोग ए आई एस एस सी क्वालिफाई करोगे तो मेरे को खुशी होगी आपको सबको खुशी होगी तो दैट इज एब्रैक्ट नाउन जॉय डिजायर आपकी इच्छा है भाई मेरे को जाना है सैनिक स्कूल में सर बस हमको हेल्प कर दो कि हम सैनिक स्कूल पहुंच जाए तो आपकी डिजायर हेट आप नफरत करते हो वो मेरे को हमेशा मारता है ठीक है आप नफरत करते हो तो नफरत इज ऑल्सो एक्ट नाउन वैसे नफरत नहीं करनी चाहिए ठीक है प्यार मोहब्बत से जिंदगी जियो ठीक है गुडविल जैसा आपको मालूम है भाई गूगल की जगह अभी कोई नहीं ले सकता एक भरोसा है जब आप बोलते हो ना कि भैया पेमेंट गेट तो गूगल का ठीक है मोबाइल भैया गूगल का हर चीज में तो आपको एक भरोसा है ये जो भरोसा है ये जो गुडविल है उस कंपनी ने अपनी गुडविल बना के रखी है वो एब्सट्रैक्ट नाउन है छू सकते हो देख सकते हो सुन सकते हो गुडविल को ना बाबा ना तो दैट इज नाउन बात चमक गई सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको कि व्हाट व्हाट इज इज मटेरियल नाउन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट तो अभी तक अपन कितना पढ़ लिए भैया अपन अभी तक क्या क्या पढ़ लिए पहले तो स्पीच स्पीच के पार्ट्स थे जिसका पहला था नाउन जो अपना पहला चैप्टर है दूसरा चैप्टर दूसरा पार्ट्स ठीक रहेगा नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव अपन बहुत सारे कंजेक्शन प्रीपोजिशन ये सब अपन पढ़ने वाले हैं तो नाउन अब नाउन में नाम नाउन मतलब नाम किसी भी चीज का प्लेस एनिमल थिंग ठीक है किसी भी चीज का नाम को नाउन बोलते थे नाउन के टाइप्स थे बहुत सारे प्रॉपर नाउन पढ़ा अपन ने कॉमन नाउन पढ़ा कलेक्टिव नाउन पढ़ा मटेरियल नाउन पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा अब बस सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में और दो चार चीजें देखेंगे और ये चैप्टर खत्म मतलब दो और लेक्चर्स के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा चलो तो आज इस क्लास को यहीं पर अपन एंड करते हैं फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास जय हिंद बाय बाय टेक केयर